देखो यार, गलतियां सब करते हैं और अपने गलतियों से लोग सीखते हैं, बट कुछ ऐसे भंड लोग होते हैं ना जो गलतियां करने में भाई साहब पीएचडी करे हुए, वो अपने ईगो पे रहते हैं चाहे गलतियां होते जाए। और ऐसे लोग हो ना भंड टॉपर कहते हैं, मतलब वो ना बस अपने क्लास के टॉपर ही रह जाते हैं, मतलब जिंदगी में जाके ना आगे लॉरे लग जाते हैं उनके। अरे बीबी, फिर ये लेजेंड कौन होते हैं? सुन बे नीले गोटे, अगर मैं तुझे एक वर्ड में बताऊं ना कि कौन असली लेजेंड है, तो भाई साहब बैक बेंचर्स यार, और कौन हो सकता है। तो इसके आगे कुछ भी लगा ले, अल्ट्रा प्रो मैक्स, मतलब इन्हें ना स्मार्ट वर्क पे विश्वास होता है, तेरी तरह हार्ड वर्क पे नहीं। पूरे साल भर के तो कोई भी 95 ला सकता है, बट मेरी जान गान में अगर दम हो ना तो एग्जाम के गैप डेज पे पढ़ के एसएसटी पे 95 ला के दिखा पाएगा तू? बेटा तुमसे ना हो पाएगा। क्या वे नीले गोटे, पूरा ऑक्सीजन क्या तू ही लेके जाएगा? मुंह बंद कर अपना, मैं तुझे बताता हूँ कि अगर तूने कुछ नहीं पढ़ा हुआ है ना तो तू भी ऐसा कर सकता है, बस मैं जो बता रहा हूँ तुझे फॉलो करना है। देख नीले गोटे, बैक बेंचर्स को पता होता है कि भाई साहब 2-3 दिन पढ़ के ना पूरा किताब खत्म करा जा नहीं सकता और 95 आ नहीं सकता, तो वो सबसे पहले जाके देखते हैं वन शॉट वीडियोस, तेरी तरह नहीं लाइव स्ट्रीम पे जाके रोशनी आई लव यू बोलते रहता है। गान में तो तेरे दम है नहीं सीधा सीधा जाके मुंह पे बोलने का, तो लाइव स्ट्रीम पे जाके बोलते रहता है और अपना समय बर्बाद करते रहता है। हाँ, वो जाके ढूंढते हैं एनिमेटेड लेक्चर्स वन शॉट वाले, एंड देन वो देख लेते उसे, जिससे उनका बेसिक जो होता है वो क्लियर हो जाता है। फिर वो निकल पड़ते एक बढ़िया सा नोट्स की तलाश पे। क्या बीबी, नोट्स? ये कहाँ से आया? सॉरी, मैं नोट्स कह रहा था। और बहुत देर खोज के बाद उसे मिलता है जाके कुछ ऐसा नोट्स। देख मैं बता रहा हूँ तुझे, किसी महान आदमी ने कहा था कि अपना ईगो और अपना नोट्स जितना छोटा रख पाएगा ना तो उतना ही आगे बढ़ेगा। और देख, अपना ईगो तो राय के दाने के बराबर का है और नोट्स भी भाई कुछ ऐसा ही है। देख रहे तो यहाँ पे हर एक चैप्टर का भाई साहब एनसीईआरटी समरी ये होता है। देख रहे तू, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है ना सब मिलेगा याद तुझे, कुछ छोरा नहीं हुआ है। देख एग्जांपल के लिए ना, तू इकोनॉमिक्स का जो पहला चैप्टर है डेवलपमेंट, उसका नोट को नोट्स को देख। एनसीईआरटी के अंदर में जो जो चीज़ है वो तुझे यहाँ पे 4-5 पन्ने पे मिल रहा है, वो भी पूरे पॉइंट वाइज। देख यहाँ पे डेवलपमेंट का मतलब बताया हुआ है, अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है वो भी बताया हुआ है, नेशनल इनकम के बारे में बताया हुआ है, कंट्रीज एंड स्टेट को कंपेयर करा गया है वो भी टेबल के साथ, जितने भी बेसिक डेफिनेशन इस चैप्टर का सारे के सारे यहाँ पे लिखा हुआ है। बात तू समझ रहा है ना, कई घंटों का मेहनत लगता है यहाँ पे, बट भाई साहब ऐसा होता है, नोट्स और ईगो राय के दाने के बराबर। अरे बीबी, ये तो बवाल के नोट्स है, तूने पहले क्यों नहीं दिया? पूरे साल में बस घिसाता रहा। साले नीले कोटे, ये क्या हलवा पूरी है कि एक रात में बना के दे दूँ? मेहनत लगता है, समय लगता है। अभी तू आगे सुन कि तू दूसरा गलती क्या करता है। बट इससे पहले, जिन लोगों ने अभी तक मेरा बकैती से बोर होके वीडियो को स्किप नहीं किया है ना भाई, तुम लोग के लिए कुछ तो देना पड़ेगा ना। तो यार इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जितने भी एसएसटी का चैप्टर्स हैं उन सबका नोट्स पूरी तरीके से सम अप करते हुए दिया हुआ है, चेकआउट कर लो। और अब बढ़ते हम आगे। नीले गोटे, हम कहाँ थे? अच्छा, तुम्हारी दूसरी गलती के बारे में बात कर रहे थे ना। हाँ सुन, हिस्ट्री और ज्योग्राफी को तूने अपना क्या क्रश मान के रखा हुआ है? नहीं मतलब क्या है ये, औकात से बाहर वाली चीजों को ना देखना नहीं चाहिए, और वो तू कर रहा है यार। अब यहाँ पे एक बैक बेंचर क्या करता है, उस औसम बंदी के पीछे नहीं भागता है जिसके पीछे 10-10 लड़के ऑलरेडी पड़े हुए अपना नस काटने के लिए। वो क्या करता है कि क्लास के 4-5 एवरेज वाले बंदियों को पटा लेता है और देख 4-5 गर्लफ्रेंड बना लेता है। और भाई वो नस काटने वाले लोग तो लाइन पे लगे रहते हैं। अब समझदारी दिखा यार, तू भी ऐसे ही। बट बेबी, हम तो एसएसटी के बारे में बात कर रहे हैं। अबे यार, एक ही लॉजिक लगता है यहाँ भी। देख, एसएसटी का एग्जाम देने जा रहा है या हिस्ट्री या ज्योग्राफी का एग्जाम देने जा रहे, तो एसएसटी का राइट। अब एसएसटी पूरा टोटल 80 मार्क्स का है, 20 हिस्ट्री है, 20 ज्योग्राफी है, 20 इकोनॉमिक्स है एंड 20 पॉलिटिकल साइंस है ना। अब तू मुझे बता, तुझे हिस्ट्री और ज्योग्राफी के नाम पे भाई पढ़ा हुआ है ना पागल हो गए, फायदा हो रहा है इससे तुझे? नहीं हो रहा है। आसान चीजें जो है उन्हें कर, पहले अपना इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस को स्ट्रॉन्ग कर ले, एंड देन जो ज्योग्राफी और हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट आसान है, इजी है, उन्हें करके जा। अबे यार, 1-2% जो नहीं हो रहा है ना उसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है, रहने देना उन्हें। तुझे 100 में से 100 तो नहीं लाने ना एग्जाम पे, लाने क्या नहीं लाने। तुझे अगर 80 मिल जाए, 90 मिल जाए, चलेगा ना तेरे को? तो क्या, क्यों डर क्यों रहा है फिर तू? सीधा बात है यार, पहले अपना इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट कर, देन ज्योग्राफी कर एंड देन हिस्ट्री कर। और हिस्ट्री का बात रहा तो भाई साहब चैनल पे सब कुछ डला हुआ है, जाके देख एक वीडियो को। और क्या करना है यार तेरे को? अब सुन मेरी बात, अब तू करेगा रिविजन। अब सुन मेरी बात, अब मान ले तूने सब कर लिया, तेरा रिविजन भी हो गया, अब तो आगे क्या करेगा? इंस्टाग्राम पे मुझे टैग कि भाई मेरा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। नहीं यार, आखिरी 2-3 दिन बाकी है, अब तुझे करना है PYQs। देख यार सीधी बात है, तुझे अगर 95 लाना है ना यार, तो इस चीज़ में ना तुझे कोई सैंपल पेपर कोई भी कंपनी का वो मदद नहीं कर सकता। एक चीज़ है जो तुझे इस चीज़ में मदद कर सकता है, वो है PYQs।
जो सीबीएसई का पहले का PYQs है वही तुझे मदद कर सकता है, पूरा फ्री होता है यार, जाके डाउनलोड कर एंड देन प्रैक्टिस कर। देखिए यार बात बहुत सिंपल है, सीबीएसई वालों ने फ्री PYQs प्रोवाइड करा अपने वेबसाइट पे, इसलिए तू वैल्यू नहीं दे रहे उन्हें। अगर यही चीज सीबीएसई का पैसा देके कहने लगे ना भाई, अगर किसी को PYQs चाहिए तो खरीदना पड़ेगा, देन तू उसका वैल्यू देता, बट क्योंकि वो फ्री है तू वैल्यू नहीं दे रहा उसका, बट तुझे वैल्यू देना है मेरे भाई। अब देख तू जाएगा वहाँ से डाउनलोड करेगा वेबसाइट से, फिर तुझे कन्फ्यूजन होगा कि कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है। अब इससे एक बेस्ट ऑप्शन है मेरे पास तेरे लिए, सुन, क्योंकि तू बैक बेंचर बनना चाहता है और मैं तुझे बना भी रहा हूँ, तो यार देख वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना तेरे पास PYQs का लिंक भी दिया हुआ है, तो जा और जाके डाउनलोड कर ले। देख PYQs करने का फायदा बहुत ज़्यादा है, जब तुम PYQs करते हो ना तो देखो तुम्हें पता चलता है कि कौन कौन सा टॉपिक है जो बार बार रिपीट हो रहा है रिपीट हो रहा है रिपीट हो रहा है, और मुझे वो टॉपिक से करके जाना होता है। हमेशा ऐसा ही होता है कि जो अगला साल या उससे अगला साल का पेपर में क्वेश्चंस आया है ना, वही क्वेश्चन एज इट इज चिपका दिया जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात? चाहे वो इनडायरेक्टली MCQ फॉर्मेट में आ जाएगा या फिर डायरेक्ट जो नॉर्मल शॉर्ट एंड क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्मेट में आएगा, बट बात वही है कि आएगा क्वेश्चन, रिपीट होगा वो क्वेश्चन। तो अगर 95 तक पहुंचना है ना तुम्हें 60-70 से, तो भाई PYQs को तुम छोड़ नहीं सकते। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर में जो जो आज तक PYQs आया हुआ है उन सबका एक तरीके से नोट बना के दिया हुआ है, तो चेकआउट जरूर करना। अब देखो मान लो तुमने PYQs किया, तुम्हें पता चल जाएगा कि देखो जो फेडरलिज्म वाला चैप्टर है ना पॉलिटिकल साइंस के अंदर पे, वहाँ से ये तीन टॉपिक भाई बार बार रिपीट होते हुए आया है। पहला क्या है, सेंटर स्टेट का जो रिलेशनशिप है इसके ऊपर देख ये क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। एंड दूसरा टॉपिक, ये फेडरल एंड यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस होता है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। एंड आखिरी चीज़, तो लोकल बॉडी के बारे में तुझे इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। लोकल बॉडी से भी कई सारी चीज़ें आता है, चाहे वो पंचायत हो गया अलग अलग चीज़ें हो गया, तुझे लोकल बॉडी के बारे में अच्छा खासा नॉलेज होना है। अब उसके बाद अगर तुम बात करो पावर शेयरिंग वाले चैप्टर का, तो यहाँ से देखो ये दो टॉपिक। पहला क्या है कि देखो पावर शेयरिंग एक स्प्रिट ऑफ डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का आत्मा है पावर शेयरिंग, अगर पावर शेयरिंग ना हो तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये क्वेश्चन जो है, ये टॉपिक जो है रिपीट होता है बार बार। एंड देन यहाँ से जो हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है ना, ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से अगर तुम बात कर लो इकोनॉमिक्स का, तो डेवलपमेंट वाले जो चैप्टर है वहाँ से देखो जो डेवलपमेंट का डेफिनेशन एंड अलग अलग लोगों के लिए जो डेवलपमेंट का क्या क्या मतलब होता है वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगर तुम ज्योग्राफी से बात करें वाटर रिसोर्स का, तो यहाँ से दो टॉपिक जो बार बार पूछा जाता है, पहला क्या है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, भाई साहब क्वेश्चन पूछा जाता है इसके ऊपर घुमा घुमा के डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और दूसरा है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट डैम का ऊपर जो होता है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। अब मैं तुझे इतना कॉन्फिडेंटली कैसे कह पा रहा हूँ कि भाई ये सब क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि भाई ये क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, ये कहीं मैंने कोई सैंपल पर से उठा के नहीं दिया है, ये PYQs पे आता हुआ क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन इन चैप्टर्स का है। और अगर तुझे 95 लाना है ना, तो तुझे इन क्वेश्चंस को तो प्रैक्टिस करके जाना ही जाना है। अब देख मैं नहीं कह रहा कि डायरेक्ट यही क्वेश्चंस आने वाले, हाँ डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी बट आ सकते हैं भाई साहब, तो किसी को भी पूछ लो। बट PYQs को जो छोड़ के गया है ना भाई, उसका तो भाई गंदा कटा है, तो PYQs को छोड़ना नहीं है। हर एक सब्जेक्ट, चाहे तुम बात कर लो हिस्ट्री का, इकोनॉमिक्स का, ज्योग्राफी का एंड पॉलिटिकल साइंस का, सबका PYQs चैप्टर वाइज तैयार है तुम लोग के लिए। आई नो मैंने इसे अपलोड करने में थोड़ा देर लगा दिया, बट तुम भी समझो ना यार, मतलब नहीं होता यार मुझसे जल्दी काम, सॉरी उसके लिए, बट जो भी हो देर आए दुरुस्त आए, ठीक है। अब आया तो हूँ ना तुम लोग के लिए लेके, अब देख लो उन्हें जाके, प्रैक्टिस कर लो उन्हें, हर भाई साहब प्रिपरेशन कर लो, ठीक है। अब मान लो तुमने PYQs लगा लिया, चैप्टर को समझ लिया, अब करना क्या आखिर, सैम्पल पेपर भाई साहब, CBSE का ऑफिशियल सैम्पल पेपर जो है, साथ साथ में इसका प्रैक्टिस पेपर भी, इन्हें लगा लेना एंड देन तुम चिल आउट मारना यार। इससे क्या होगा, तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा, और अगर तुम्हारा गंदा हैंडराइटिंग है तो भाई साहब उसका तो कुछ कर नहीं सकते, बट हाँ तुम प्रैक्टिस कर सकते हो कि गंदा ना लिखो, काटाकुटी ना करो, समझ रहे हो बात? गंदा हैंडराइटिंग तो भाई साहब ऊपर वाले के सहारे होता है, अब टीचर कैसे देखते हैं तेरा हैंडराइटिंग को उस पर डिपेंड करता है, बट जो भी हो तू प्रैक्टिस कर लेना। अभी तक तुमने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया तो प्लेलिस्ट इधर बना हुआ है, जाके पहले वीडियोस देखो एंड देन नोट्स जो कि मैंने तुम्हें दे दिया अभी अभी, एंड देन आखिर में PYQs जो कि तुम कर लोगे, और आखिर में सैम्पल पेपर जो कि तुम कर लोगे एंड प्रैक्टिस पेपर, इन सारी चीज़ों को कर लेना, टाइम मैनेजमेंट से लेके आंसर राइटिंग तक सब हो जाएगा। अब ये सारी चीज़ करने के बाद भी अगर कोई टॉपिक है जो तुमसे नहीं बन रहा है ना, नहीं हो रहा है ना, तो उसको एक ही बात बोलो, समझ रहे हो बात? रहने दो उन टॉपिक्स को भाई साहब, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, आगे नहीं बोलते, सुनो मेरे बात।
अब बात बहुत सिंपल है, एग्जाम से एक दिन पहले चाहे गाना सुनो, डांस करो या रिवीजन करो, बट स्ट्रेस मत लो यार। एग्जाम देने जाओ, चिल आउट मारो, पैसा पूरा साल पढ़े हो, अगर नहीं पढ़े हो ना तो अभी पढ़े हो ना, बट खत्म बात। एग्जाम में जो भी आएगा लिख लोगे, कर लोगे, फाड़ दोगे, मुझे पता है, तुम लोग के ऊपर विश्वास है मुझे, और तुम्हारा भाई तुम लोग के साथ है यहाँ पर, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होता है तुम मुझे इंस्टाग्राम पे बता सकते हो, हाँ मैं मैसेज नहीं देखता जाके, बट तुम मुझे स्टोरी पे मेंशन कर सकते हो, मैं तुम लोगों का मदद करूंगा जरूर। एंड इसी बात के साथ मैं लेता हूँ तुम लोगों के से अलविदा। और हाँ नीले गोटे, तू भी समझ जा, टॉपर नहीं बनना है तेरे को, बैक बेंचर बनना है, समझ रहे ना, अपने साथ रहना है, बैक बेंचर बनना है, बकचोदी करना है एंड पढ़ना है। चल बाय, तुम लोगों को भी बाय, थैंक यू, लव यू ऑल।